तो क्या कह रहे हैं 20th में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400, 400 अंडे हैं, गलत अंडा बैड एग आने की है, और सही अंडे कितने दे रखे हैं, 386। अब एक बात बताओ, 400 में से 386 गुड कंडीशन में है, तो बैड कंडीशन में कितने हैं, 14। तो 14 आउट, तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालू तो फेवरेबल 14 हो गए, बैड एग्स अपॉन 400। अगर ये सॉल्व करके 0.035 आ रहा है तो एजर्शन ट्रू हो जाएगा, करना 14/400 करो सब बच्चे। फोर पे कट कर रहा हूं, ऊपर पॉइंट्स में आने दो। थ्री पॉइंट फाइव बाय हंड्रेड की डेसिमल एडजस्ट करना तो यही आ जाएगा, 0.035। बोलो तो एजर्शन क्या होगा, ट्रू। अब रीजन देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1 - p। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, 386 बाय 400 गुड एग की है, तो बैड एग की कैसे निकालेंगे, 1 माइनस, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम क्या होता है, 1, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है बेटा, 1। तो ये 14/400 आएगा, और इसको सॉल्व करके यही तो आएगा, क्या आएगा, 0. तो इसका आंसर क्या मार्क करके आओगे सर, एजर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और उसकी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सबको समझ आ गया?